हेलो एंड वेलकम अगेन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, जो कि 1 जुलाई से शुरू है। जैसा कि मैंने आपको एक मैसेज भी शेयर करा है कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने एक लिंक दिया है जिसके अंदर आपकी डेट शीट पूरी इंप्रूवमेंट एग्जाम की आई हुई है। डेट जो थी 1 जुलाई की, वो पहले ही आ चुकी थी, आपको मालूम है, और जो सर्कुलर आया था उसी में उन्होंने बता दिया था कि 1 जुलाई से इंप्रूवमेंट एग्जाम होंगे, लेकिन डेट शीट एक्चुअल में किस डेट को कौन सा पेपर होगा ये अभी 2-3 दिन पहले आई, और उसी दिन मैंने आपके उसकी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर डाल दिया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं वो इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखें, किस तरह से उनको तैयारी करनी है, क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम का पेपर डिफिकल्ट आता है नॉर्मल जो पेपर होता है उससे, क्या इसकी मार्किंग जो होती है वो टफ होती है इन कंपेयर टू नॉर्मल मार्किंग स्कीम। तो ऑल दीज क्वेश्चन विच यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन, आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑल दीज क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि आप तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने की जो बात है, 2-3 तरह के बच्चे हैं जो ये इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं। एक वो है जो किसी पेपर में फेल हो गए हैं या रेड मार्क उनके आ गया है, तो उसको वो सोचते हैं क्लियर करना है, तो उनकी तैयारी अलग तरीके से होगी। एक वो बच्चे हैं जिनके 60-70 मार्क्स आए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनके 90 मार्क्स आए, उनकी तैयारी थोड़ी सी अलग तरह से होगी। तो दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं जो कि पास होने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे पास होने के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनको पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, शुरू से लेकर के और 50% अगर सिलेबस वो अच्छे से रिवाइज करते हैं, 50% सिलेबस अच्छे से कर ले जाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं उनके 70% प्लस मार्क्स आएंगे। अगर 50% आधा सिलेबस, टोटल मान लीजिए 15 चैप्टर है, 15 में से शुरू के 7 चैप्टर अगर अच्छे से करके आप जाते हैं, दैट्स इनफ, पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस 7 चैप्टर करें और उन 7 चैप्टर को अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके जाएं, मैं गारंटी देता हूं आपके 70% प्लस मार्क्स आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। तो ये तो बात थी उन बच्चों की जो कि पास होने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। अब दूसरे वो बच्चे जिनकी 70% के आसपास, 75% के आसपास आए हैं, खासतौर पर 12th क्लास के बच्चे जो IIT के लिए तैयारी जो कर रहे हैं और 75% उनके मार्क्स नहीं आए, तो वो तैयारी कैसे करें। तो उनके लिए भी मेरी एक सजेशन है कि जिस तरह से आपने पहले तैयारी करी अच्छे से, पिछली बार आपने पेपर भी दिया, तो जिन टॉपिकों पे आप फंसे हो, जिन टॉपिक्स पे आप फंसे हो उनको बहुत अच्छे से करना, उन पूरे बदल, देखिए क्वेश्चन नहीं करना होता है। तो जो एक मैं आपको बात बता दूं, जो पेपर में पिछली बार क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन वो नहीं आएंगे, सेम क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिए, वो टॉपिक जरूर आता है। तो जिस क्वेश्चन में आपने फंसे, जिस क्वेश्चन को आपने गलत किया, उस टॉपिक को आप अच्छे से दोबारा से रिवाइज करो, उसके सारे एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको एक बार अच्छे से सोल्व करो, खास तौर पे मैथ और फिजिक्स वगैरह के अंदर ये फार्मूला आप लागू करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कभी भी क्वेश्चन याद नहीं करे जाते हैं, अगर आपने कहीं पे भी, आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देखा ये क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन को नहीं, उस क्वेश्चन वाले टॉपिक को अगर आप पूरा करेंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर अगली बार भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला होता है और वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इस तरह से जिन जिन क्वेश्चनों में पिछली बार आप फंसे उनको आप अच्छे से दोबारा से तैयार करें, और खास तौर पे ये बच्चे जो आपके जो हैं, जो इंप्रूवमेंट उस लिए कर रहे हैं कि IIT एग्जाम के 75-80% के लिए, तो आमतौर पे मैथ वगैरह में वो बच्चे 50s में रुक गए हैं, एक आध सब्जेक्ट में 50-60 में रुक गए हैं, तो उनके लिए भी यही है, पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, एक साइड में आप 60% कर लीजिए, एक साइड से 60% सिलेबस पूरा, मतलब टॉपिक आपको करना है, बीच बीच में से क्वेश्चन नहीं करने, 60% एक साइड से शुरू से लेके आखिर तक जो टॉपिक आप कर लीजिए, और खास तौर पे अगर मैथ वगैरह है तो आपको पहले से मालूम है इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो इस तरह के मतलब मोर देन हाफ टॉपिक, जो मान लीजिए टॉपिक 10 टॉपिक है टोटल पूरे सिलेबस में, तो आप 6 टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, तो आपका 70% की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको 80-85%, क्योंकि 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट से भी मिल जाते हैं, तो 80% से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, और अभी मान लीजिए आपके 50% उसमें आए, 85 आ जाएंगे, तो जो आपकी 4-5% की जो कमी है वो आपकी आराम से पूरी हो जाएगी। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे इस एग्जाम में। ये सब चीज मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एक्सपीरियंस से
कैसे पेपर से क्वेश्चन पेपर आते हैं। अब अगली बात हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या पेपर टफ आता है इंप्रूवमेंट एग्जाम का, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। जो पहले प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, कई बार तो ईजी आप पेपर आ जाता है जो पिछली बार आया हुआ था। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि आपको डिफिकल्ट आएगा, लेकिन आपको तैयारी डिफिकल्ट की करनी है, उसके बाद अगर ईजी पेपर आता है तो इट विल वेरी नाइस फॉर यू। अब अगली बात हम लोग करते हैं, क्या मार्किंग हार्ड होती है? नहीं, वही सेम तरीका होता है, उसी तरह से मार्किंग स्कीम आएगी, उसी तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं, आप ये मत सोचिए कि बोर्ड आपसे दुश्मनी निकालेगा, देखो ये इंप्रूवमेंट करने है। नहीं, इंप्रूवमेंट करना इट इज योर लीगल राइट, और आपका मौलिक अधिकार है आपका इंप्रूवमेंट करना। अगर आप इंप्रूवमेंट, कोई भी बच्चा अगर कहते हैं गिर करके समझ जाए तो वो गिरना नहीं कहलाता। इसी तरह से अगर एक बार आपके मार्क्स कम आते हैं और उसके बाद में आप दोबारा से कोशिश करके और अच्छे मार्क्स ले आते हो, तो इससे अच्छी बात कोई, मैं तो ये मानता हूं, इस तरह से जो इंप्रूवमेंट करके अगर आप अपने अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो ये उन बच्चों से भी ज्यादा अच्छा है जो शुरू के अंदर ले आए थे। तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी इसके अंदर परेशान होने की बात नहीं। एक और जो बात आप लोग बच्चे पूछते हो कि मार्कशीट में ये लिख के तो नहीं आएगा इंप्रूवमेंट हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी कहीं लिख के नहीं आता, नॉर्मल मार्कशीट आपकी आएगी बनके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी को ये पता नहीं होता कि इसने इंप्रूवमेंट करा है, लेकिन फिर भी इसमें डरने की क्या बात है? आप लोग चोरी नहीं कर रहे हो, आप लोग इंप्रूव कर रहे हो, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव दैट राइट। आप लोगों ने जेई एग्जाम के अंदर भी दो मौके मिलते हैं ना, एक में एग्जाम में अगर कम नंबर आते हैं तो दूसरे में आते, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आने वाली है? तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको। अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो दैट इज विन विन सिचुएशन, अदरवाइज अगर कम आते हैं तो आपके यही मार्क्स रहेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होती। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के लिए फिर कोई नया टॉपिक अगर जरूरी होगी तो मैं फिर लेके आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच।